विजयपाल विरोधिया। हरियाणा के जिंद जिले में सन 1975 में श्री विजयपाल विरोधिया का जन्म हुआ। पिता पाल सिंह जी सरकारी नौकरी करते थे, माता बसंती देवी गृहिणी हैं। चार भाई बहनों में श्री विजयपाल सबसे बड़े हैं। श्री विजयपाल ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली और आर्थिक करियर की शुरुआत कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर व जूडो कराटे कोच के रूप में की। दोस्त की मदद से सन 2001 में आरसीएम को करना शुरू किया। बिना रिस्क के इस बिजनेस ने उनको बहुत आकर्षित किया। श्री विजयपाल ने लगातार आरसीएम में अपने पैर जमाए रखे और सन 2002 में रॉयल्टी एवं सन 2003 में टेक्निकल अचीवर बने। सन 2010 में श्री विजयपाल को सफायर की पिन से नवाजा गया। आज पूरे भारत में इनकी ट्रेनिंग एवं सेमिनार होते हैं और साथ ही साथ में अपना बहुत बड़ा नेटवर्क मेंटेन करते हैं। पूरे भारत के डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें जोश मशीन के नाम से जानते हैं। तो आइए जोश मशीन श्री विजयपाल विरोधिया जी को आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सब लोगों के अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस प्लेटफॉर्म पर। यहां पे बहुत आपको रेगुलर बड़े दिग्गज शानदार लीडर्स ने बहुत अच्छा एजुकेशन आपको दिया है और ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और माई डियर फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग में ही आपसे कहना चाहता हूं आप इसको प्रमोट करें और पूरा अपनी टीम में और सारे लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाएं और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, आशा है आप लोग स्वस्थ हो गए, खुश हो गए, मस्त हो गए और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। मैं विजय विरोधिया आज इस वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत एक्साइटेड, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड टूडे बिकॉज 15 मई को मैं आपके बीच में एक बार पहले भी आया था और जब 15 मई को आया तो उस समय हमने बस यहां यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर वेबिनार शुरू ही किए थे और उस समय कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे कि लाइव किस तरीके से हम लोग करें, तो उसमें बीच में कई बार कनेक्शन कट जाता था, बीच में कई बार लाइट चल जाती थी, बड़ा दिक्कत हो जाती थी, वीडियो क्वालिटी भी सही तरीके से नहीं हो रही थी, साउंड भी सही तरीके से नहीं हो रही थी। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया उस पर, लेकिन मेरा एक टॉपिक उसमें मिस हो गया था लाइट जाने की वजह से, इंटरनेट का कनेक्शन कट जाने की वजह से, तो वो भी मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी साथी ने आपको ये लिंक शेयर किया है, माय डियर फ्रेंड्स, वो व्यक्ति जरूर आपका बहुत भला चाहता है, उसका दिल से धन्यवाद करना। ये आप खुद करोगे जब आप लास्ट तक इस वीडियो को, इस वेबिनार को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आज के जो मेरे टॉपिक हैं वो आपके सारे सवालों का हल करने वाले हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ताकि आपका टाइम खराब ना हो, मैं इधर उधर की बातें ना करूं, वो टॉपिक्स आपके बीच में मैं बता दूं। मैं अपना परिचय डिटेल में आज नहीं दूंगा क्योंकि वो जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम द्वारा एक मेरे ऊपर जो वीडियो बनाया गया है मेरे इंट्रोडक्शन का, वो इस वेबिनार से पहले चलाया गया है, तो उसमें आपने मेरे बारे में लगभग जान लिया होगा। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, विजय विरोधिया मैं ही हूँ, एनसीआर में रहता हूँ। इस समय बैकग्राउंड मेरा हरियाणा से है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पहले जो करता था वो आपने देख लिया, काम जैसे आप करते हो वैसे ही मैं भी कुछ ना कुछ करता था। सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाना और रात के 8 बजे तक अपने कंप्यूटर सेंटर में व्यस्त रहता था मैं, जैसे हर आदमी रहता है। कोई समय नहीं था मेरे पास, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, पैसा ठीक ठाक कमा रहे थे, हर आदमी जैसे कमाता है, मेरा भी गुजारा चल रहा था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन 8 फरवरी सन 2001 को ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंदगी मेरी तो बदली, लेकिन साथ में बहुत से लोगों की जिंदगी इस बिजनेस ने बदल दी। आज मुझे गर्व है कि आज मेरा लगभग 23-24 करोड़ रुपये महीना का टर्नओवर है और इस टर्नओवर में लगभग 10-12-15 करोड़ के आसपास मेरी टीम के लोगों के घरों में जाता है। मेरे साथ के लोग यानी कि इतने दिनों में जो लगभग 8 फरवरी सन 2000 से लेकर आज तक का जो समय रहा है, इस समय के बीच में मुझे जो भी साथी मिले, उन सभी साथियों को घर पे
बिना कुछ नया किए लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास उनके घरों में हर महीना जाता है। ये मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को देख के। मेरे को क्या आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वेबिनार में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्या हैं वो टॉपिक्स आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने लिखे हैं ताकि टाइम का हम सदुपयोग कर सकें। जो यहाँ मैंने लिखे हैं इसके अंदर सबसे पहला है कि मुझे आप क्यों सुने, क्या जरूरी है, तो वो चीज मैं एक बार क्लियर करूंगा आपकी ताकि आप मुझे लास्ट तक सुने। नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्यों करना जरूरी है, यानी कि जो हम बता रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तो आप उसमें अपना स्टेप आगे बढ़ाओगे ही नहीं। और नेक्स्ट तीसरा कि करना क्या है, बहुत से लोग सोचे क्या करें, तो आज मैं वो भी आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है और है क्या ये बला क्या है, तो ये भी मैं माय डियर फ्रेंड्स आज आपको बताने वाला हूं। और आने वाले समय में क्या होगा और क्यों होगा, तथ्यों पे आधारित मैं बात करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई विल नॉट मोटिवेटिंग यू, मैं आपको मोटिवेट नहीं करने जा रहा, आज मैं तथ्यों पे आधारित बातें करूंगा, फैक्ट्स पेश करते हुए बात करूंगा, आपको सारी चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जिसने भी ये वीडियो आपको भेजा है, जिसने भी इनका लिंक आपको भेजा है, उसको धन्यवाद जरूर करना माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत हितैषी है। चलो लेट्स बिगेन, आओ शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले आप मुझे क्यों सुने, तो यहां मैं स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देना चाहता हूं, तो जरा सीरियसली इस चीज को सुनना फ्रेंड्स। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही बोर्ड साफ कर लिया है और मैंने यहां कट लगाया, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज से पहले भी वेबिनार जितने भी आपने सुने हैं उनमें बहुत से लीडर्स ने बहुत शानदार शानदार बातें कही हैं, हो सकता है आपने इनमें से एक आध बात आपने सुनी हो या पहले कहीं और से भी सुनी हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आज एक बार दिल से पूरा मेंटली एंड फिजिकली पूरा ध्यान देके इसको सुनना, आपकी जिंदगी बदल सकती है। जो भी आज मैं टॉपिक लेने वाला हूं इनमें से कुछ चीजें मे भी आपने पहले कभी सुनी हो, लेकिन आज थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनना क्योंकि आज मैं इसकी इंपॉर्टेंस के कारण कुछ चीजें हो सकता है मैं भी रिपीट कर दूं, पर वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपके अंदर से ही आवाज दिलाना चाहता हूं कि आपका अंदर ही वाला इंसान ही खुद कहे कि यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। माय डियर फ्रेंड्स, यहां मैंने एक डायग्राम में अभी कुछ बनाऊंगा, कुछ एग्जांपल आपको देने वाला हूं, हो सकता है इस बोर्ड पे आपको दिखाई ना दे लेकिन मेरे को आप सुन रहे हो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, एक समय था 1940 का, इसको शॉर्ट में लेंगे क्योंकि आदरणीय प्रहलाद राय जी ने भी अपने वेबिनार में इस डाटा को आपको बताया था। 1940 में 4 रुपए में एक आदमी सर्वाइव कर सकता था, गुजारा कर सकता था, सर्वाइवल के लिए 4 रुपए वो कमाता था तो काफी होता था, लेकिन उस समय में 40 रुपए कोई आदमी कमाता था तो बढ़िया जीवन जीता था, यानी कि वो एक धनी व्यक्ति था, वो थोड़ा सा लग्जरी लाइफ जी सकता था। 1940 का था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय क्या होगा ये इससे। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1940 के ठीक 20 साल के बाद 1960 आया और 1960 में 40 रुपए सर्वाइवल के लिए चाहिए होता था और उस समय बढ़िया जीवन 400 रुपए में जो व्यक्ति 400 रुपए कमाता था वो बढ़िया जीवन जीता था। ठीक इसके 20 साल में बाद हम अगर जाते हैं सर 60 के बाद 1980 आया माय डियर फ्रेंड्स, और 80 में जो एक जीरो और लग गई और जिस फैमिली इनकम 400 रुपए होती थी वो सर्वाइवल के लिए ही काफ़ी होता था, पैसा सिर्फ सर्वाइव ही कर पाते थे यानी गुजारा ही कर पाते थे, और जो 4000 रुपया महीना कमाता था वो बढ़िया जीवन जीता था। ठीक इसके 20 साल बाद चले तो माय डियर फ्रेंड्स सन 2000 आया और यहाँ 4000 रुपये में गुजारा होता था और 40000 रुपये में बढ़िया जीवन जिया जाता था। अगर यहाँ आप देखते हैं माय डियर फ्रेंड, जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो इस डायग्राम ने मेरे को हिला के रख दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है, ये आप भी जानते हैं। यहाँ हो सकता है आप ये सोचें कि 40 किसने देखा है, 60 किसने देखा है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स 80 तो देखा है, 2000 तो हमने देखा है, क्योंकि इस 2000 के अंदर मैं इस सिस्टम पे आरसीएम बिजनेस के अंदर 2001 में आया, तो 2000 के अंदर 4000 में गुजारा हो जाता था माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी इनकम उस जमाने में 6
से लेकर 10,000 के बीच में होती थी और मेरी ठीक ठाक इनकम, ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। ये समय आपने भी देखा है, ठीक इसके 20 साल चले तो उस समय बताया जाता था कि आपको क्या लगता है 2020 नहीं आएगा, तो हम कहते थे जी जरूर आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है 2020 अब चल रहा है। यस, इट्स 2020। जब कहा जाता था कि जो लोग 40,000 रुपये महीना कमाएंगे उनका सिर्फ गुजारा होगा और 4,00,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति की बढ़िया जिंदगी जिएगा, माय डियर फ्रेंड्स आप बताइए क्या ये सच नहीं है? ये हुआ। आज 40,000 में सिर्फ गुजारा ही होता है। अगर देखा जाए तो 10-20,000 रुपये तो आई थिंक दूध का बिल आ जाता है। ठीक इसके 20 साल बाद चलें तो आपको भी पता है 2040 आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप करोगे कुछ तब भी आएगा, आप नहीं करोगे तब भी आएगा। जो आप काम कर रहे हो वही करते रहे तब भी आएगा, कुछ नया तब भी आएगा। और उस समय 4,00,000 रुपया जो परिवार कमाएगा उसका ठीक ठाक गुजारा ही चलेगा और 40,00,000 रुपया महीना कमाने वाले की अच्छी जिंदगी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये डायग्राम हमें बताता है कि ऐसा क्यों होता है, उसके रीज़न हैं, उसका रीज़न कई है। नंबर वन कि महंगाई बढ़ रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई राजनेता कितनी ही बकवास करता रहे। मैं किसी पार्टी का या समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कोई कितना ही, ये सारे राजनेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो कितना ही कुछ करते रहें वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लगातार बढ़ेगी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एक कारण ये है कि महंगाई बढ़ रही है और दूसरा कारण है कि हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस समय हमें शायद बिजली का बिल भी नहीं आता था, इस समय शायद गैस का बिल भी नहीं आता था, इस समय शायद टेलीफोन का बिल भी नहीं आता था, इस समय शायद हमारे पास पेट्रोल के खर्चे नहीं होते थे, इस समय शायद मोबाइल के खर्चे नहीं होते थे। लेकिन धीरे 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 खर्चे बढ़े, ट्यूशन की फीस का खर्चा भी नहीं होता था। धीरे धीरे हमारे माय डियर फ्रेंड खर्चे बढ़ते गए और इसीलिए यहाँ पे जीरो बढ़ती गई। और आपको क्या लगता है कि जीरो बढ़नी बंद हो जाएगी? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बंद नहीं होगी और ये होगा। अब यहाँ आपके लिए एक सवाल है माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप मुझे क्यों सुने, क्योंकि अगर ये 2040 आएगा तो सीधी सी बात है कि आपकी इनकम के सामने भी आपकी जीरो लगनी चाहिए। अब आप ये सोचें कि जो काम आप कर रहे हो अगर वही आप करते रहे, क्या आपकी इनकम स्पीड से बढ़ेगी? नंबर वन थिंग। और दूसरी, सिर्फ इनकम ही नहीं, क्योंकि देखिए हम जिस सिस्टम की बात करते हैं इसमें नाम, पहचान, सम्मान, सुरक्षा, समय सब कुछ मिलता है, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं लेता हूँ। लेकिन एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का इलाज तो सिर्फ इनकम पैसा है। कहा जाता है कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमारी जो हैं वो पैसे से ही पूरी होती है। मैक्सिमम जरूरतें हमारी जो हैं वो पैसे से ही पूरी होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 2040 भी आएगा और हमें अगर गुजारा करना है तो 4,00,000 रुपया महीना की इनकम मिनिमम आपको चाहिए। और मैं आज आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, मुझे आप क्यों सुने, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बताने वाला हूँ कि आप 4,00,000 क्या 40,00,000 रुपया महीना भी कमा सकते हैं और उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आज आपको क्लियर होगी। तो तैयार हैं आप? यस, तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ आज मुझे सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्यों ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मेरे एक अपलाइन की मीटिंग हुई थी जिंद के अंदर, और उन्होंने एक इस मीटिंग के अंदर एक डायग्राम दिखाया, एक और एक चीज़ बताई, और वो मेरे अंदर उसी दिन उतर गई। वो एक होम मीटिंग थी जिसके अंदर लगभग 10-15 लोग बैठे हुए थे, और उस मीटिंग के अंदर बोर्ड के ऊपर हमारे उस अपलाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आपको भी बताऊँ। उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि एक आदमी एक किसी सोर्स ऑफ इनकम पे अगर काम करता है और वहां से अगर वो 1,000 रुपया डेली कमाता है तो महीने में उसके कितने रुपए हुए? 30,000 रुपया महीना। उस जमाने में ये 2001 की बात है, तो उन्होंने यहाँ 100 रुपये लिया था, लेकिन अभी जीरो बढ़ गई है, इसलिए मैं आज उस 100 की जगह आपको 1,000 लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने 100 कहा था और
3000 की इनकम बताई थी। एनीवे मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी कोई एक दुकान से, एक फैक्ट्री से, या एक किसी भी सोर्स से, या एक नौकरी से, अगर वो डेली 1000 रुपये की इनकम कमाता है तो उसके महीने में 30000 रुपये की इनकम हुई। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी एक है, लेकिन वो एक जगह की बजाय उसके सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स जो है वो 1000 है, एक जगह नहीं है बल्कि उसके सोर्स जो हैं वो 1000 है, 1000 अलग अलग जगह से उसको सिर्फ एक एक रुपया आता है, ये भी 30000 रुपया महीना कमाता है। अब अगर इस डायग्राम को देखो तो उसके बाद हमारे उस सीनियर ने पूछा कि हमें बताइए कि ये सही है कि ये सही है। भाई ये एक आदमी है, एक सोर्स है, 1000 रुपया महीना कमाता है, 1000 रुपये डेली कमाता है, 30000 रुपये महीना, और ये भी 30000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन सोर्स इसके जो है 1000 है, कौन सा सही है? तो नॉर्मल फिनोमिना क्या है कि हर व्यक्ति ये देखता है कि यार ये बढ़िया है जो ऊपर वाला है, क्योंकि आज के समय में आदमी थोड़ा सा आराम परस्त हो गया, ये सोचता है हाँ एक जगह ठैया जम जाए, एक नौकरी हो बस बढ़िया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रेशर अगर आप दिमाग पे लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये सही नहीं है, ये ज़्यादा सही है। क्यों? ये हमें बताया गया था 2001 में, और ये चीज़ आज तो इस करंट सिनेरियो में आपको बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन हुआ मार्च से, आप सबको पता है कि जिनका एक सोर्स ऑफ इनकम था, एक दुकान थी, एक नौकरी थी, एक फैक्ट्री थी, वो क्या हो गया, उनका सब कुछ बंद हो गया। अगर एक बंद हो गया तो 1000 के 1000 गए और 30000 के 30000 गए माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ अगर इस 1000 जगह में से अगर एक दो जगह, 3-4 जगह, 5-6 जगह, 10-20 जगह, 50-100 जगह अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, कोई अपडाउन भी हो जाए, तो भी इसके कुछ तो आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके 30000 ना सही, 25000, 28000, 20000 कुछ तो इनकम होगी। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सिक्योर्ड चीज़ है, और मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम आप कैसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सबको ये चीज़ समझ में आ गई है, क्योंकि आज अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे हूँ, आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं सिंपल सा मेरी ही ज़िंदगी से आप देखो कि जिस समय मैंने आरसीएम बिजनेस नहीं किया था, उस समय मैं सुबह उठ के कराटे सिखाता था और शाम को मैं पूरा दिन तक कंप्यूटर सिखाता था। इस लॉकडाउन के पीरियड में मेरा कराटे सेंटर भी बंद हो चुका होता, कंप्यूटर सेंटर भी बंद हो चुका, आपको क्या लगता वो बच्चे मुझे फीस देते? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं जीरो हो जाता। लेकिन आज पावर ऑफ दिस बिजनेस, आज पावर ऑफ दिस सिस्टम जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आज मेरे सोर्स जो हैं 1000 नहीं, यहाँ लाखों सोर्स हैं, और लाखों सोर्स से अगर थोड़ा थोड़ा भी इनकम आती है तो माय डियर फ्रेंड्स वो लाखों में चली जाती है। और वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, किसी भी तरह की वर्स्ट कंडीशन आ जाए, यहां आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज ऐसी पोजीशन में भी लोगों ने आटा खाना नहीं छोड़ा, लोगों ने दाल खानी नहीं छोड़ी, लोगों ने नमक खाना नहीं छोड़ा, लोगों ने नहाना धोना नहीं छोड़ा, लोगों ने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, लोग वो सारी जरूरत की चीजें वो है इस्तेमाल करते रहे, और हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारा सिस्टम इसी चीज को बढ़ाता है जो अभी आने वाले समय मैं कुछ समय टाइम बाद मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मेरी जो इनकम इस लॉकडाउन के पीरियड में, जब लोगों की मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया, मैक्सिमम लोग धराशायी हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन धराशायी हो गए, मेरी लाइफ का, आरसीएम का सबसे बड़ी इनकम इसी लॉकडाउन के समय में आई। और ये पता नहीं मेरे साथ क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, 7 फिगर में, माय डियर फ्रेंड्स 7 फिगर का मतलब है 10 लाख रुपया मिनिमम, और मोर देन 99,99,999 रुपीज, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। मैं कहता हूं अगर कम से कम भी लगाओ तो 10 लाख हुई माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इतनी बड़ी इनकम जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की पोजीशन जो है वो डाउन हो गई, मैक्सिमम लोगों का बिजनेस खराब हो गया, फिर भी हमारा कैसे बढ़ा, ये चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि ये मुझे दोस्त, मेरे साथ ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है। एक बार जब आई वॉज रॉयल्टी अचीवर, उस समय मैं जॉन्डिस हो गया था, मुझे 6 महीने में कंप्लीट बैठ के
था, कभी भी नहीं मैं बेड से उठ के अपनी कोई मीटिंग नहीं की, कहीं किसी से मिलने के लिए नहीं गया। ये आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है, और तब मेरे को 25-25, 30-30 हज़ार रुपये 6 महीने तक मैं जब तक बेड पर रहा मेरे को कंटिन्यू इनकम आती रही। उस समय मुझे इसकी पावर समझ में आई थी, और एक बार और समझ में आई जब मैं टेक्निकल अचीवर था। नॉर्मल मैं उस समय आई थिंक स्टार रूबी होऊंगा, उस समय की बात है। मेरी मैडम का घुटना जो है वो टूट गया एक एक्सीडेंट में, और देन आई वाज स्टार रूबी अचीवर। और उस एक्सीडेंट के बाद मैं कंप्लीट अपनी मैडम की सेवा में लगा रहा। 1 महीना तक कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं दिया, सारे प्रोग्राम मैंने अपने और लीडर्स को सौंप दिए, मेरी जगह किसी और लीडर्स ने वो सेमिनार लिए थे। और माय डियर फ्रेंड्स, 1 महीने के बाद जब हमारा बिजनेस फाइनल हुआ तो मेरी इनकम में 1,25,000 का इंक्रीमेंट लगा, यानी कि 1.25 लाख रुपए बढ़ के आया, जबकि सारा महीना मैंने कुछ नहीं किया। और एक ये लॉकडाउन का पीरियड, इस लॉकडाउन के समय में टॉप आज तक के में इतिहास का मेरा सबसे बड़ी इनकम इसी समय में इसी महीने में आई माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो है ये गजब, ये आपके साथ भी हो सकता है, कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है, और अगला मेरा टॉपिक क्या है वो है करना क्या है। तो अब मैं वो आपको बताने वाला हूँ कि करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, और कोई नया काम नहीं करना। मज़े की बात यह है कि जो आप कर रहे हो वही करना है। यहाँ इस बिज़नेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं करते, आप ऑलरेडी करते हो माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, हमारे बिजनेस के अंदर जब भी आपको मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है आपके किसी ससुरी हमारे इस बिजनेस के अंदर जब भी मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है तो एक डेमो दिखाते हैं हम लोग कि मैन्युफैक्चर से लेके हम कंज्यूमर तक मिडल मैन के माध्यम से प्रोडक्ट आता है। ये आपने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपकी किसी सीनियर अपलाइन से या जिसने आपको ये लिंक भेजा है उससे एक बार मैन टू मैन, पेन टू पेन एक बार प्लान देखना माय डियर फ्रेंड्स। ये प्लान आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो तो मेरे अपने यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया, उसके ऊपर भी मैंने प्लान के 4 पार्ट दिए हैं डिटेल्स में। इसके अलावा मुकेश कोठारी सर ने, जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपने चैनल पे प्लान डाला हुआ है। rcmbusiness.com साइट के ऊपर भी मार्केटिंग प्लान है, तो प्लान आप वहां भी देख सकते हैं। मैं अभी प्लान डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, इस समय मैं आपको सिर्फ एक एक्सपोजर दे रहा हूं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो करना क्या है आपको, हम लोग जो बताते हैं वो मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक बीच में मिडलमैन के माध्यम से प्रोडक्ट आता है, ये आपको भी पता है। और हम इस सिस्टम को बोलते हैं WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका, क्योंकि हम कंज्यूमर रिटेलर से लेते हैं, रिटेलर बनाता नहीं, सेमी होलसेलर, होलसेलर स्टॉक इट्स या फिर एजेंट वगैरह वगैरह, और बीच में एडवर्टाइजमेंट, और इन सब के माध्यम से प्रोडक्ट आता है। और इसकी बजाय हम आपको कहते हैं कि इनको बीच से हटा दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट लेने सक जाओ, एंड दैट इज RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप तो करते हुए CM पहले ही, CM का मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का तरीका, वो तो आप लेते हुए, चाहे आप W करते हो चाहे आप R करते हो, लेकिन CM जरूर करते हो माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि आप या तो WCM करते हैं या RCM करते हैं, खरीदारी तो आप करते ही हैं, चाहे यहां से करें चाहे यहां से। तो माय डियर फ्रेंड्स, नया कुछ नहीं है, आपको सिर्फ दुकान बदलनी है। बस इस चीज को ध्यान दें कि आपको करना क्या है, कि इस दुकान की बजाय इस दुकान से सामान लेना शुरू कर दो। उसका फायदा क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला फायदा उसका कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। ओरिजिनल कैसे मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग जो डुप्लीकेट करके सप्लाई करते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हो। याद रखें, गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, गवाला करता है। आप जानते हो, हमेशा गाय के पास जाके दूध लेके आओगे तो गाय उसमें मिलावट नहीं करेगी, लेकिन अगर गवाला आपके पास दूध लेके आ रहा है तो उसकी पूरी संभावना है कि उसने कुछ ना कुछ उसमें मिलाया होगा, गाय नहीं मिलाती। लेकिन यहां तो गाय गवाले बहुत सारे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और अगर गाय से डायरेक्ट आपको दूध आता है तो ओरिजिनल आता है। और मेरा मानना यह, दैट इज स्पेशियल रीजन टू डू RCM बिजनेस, ये काफी है आपके लिए, ये आपको ये बिजनेस करना चाहिए। लेकिन खैर माय डियर फ्रेंड्स, करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग करनी चाहिए। यानी कि यहाँ क्या है कि इस दुकान पे जाके तो आप सामान ले लो, कोई रजिस्टर्ड आप ग्राहक नहीं है, क्योंकि आप सामान लेते हो तो वो आपका खर्चा होता है।
बिजनेस होता है दुकानदार का, लेकिन यहाँ आपको बिजनेस मिलेगा, जो आप सामान खरीदोगे वो आपका खर्चा है एज वेल एज वो आपके बिजनेस में कन्वर्ट होगा। लेकिन वो बिजनेस में कब कन्वर्ट होगा? जब आप ज्वाइन करोगे। माई डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ज्वाइन करना है। और मज़े की बात, यहाँ ज्वाइनिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती, एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री, बिना कोई पैसा लगाए आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान, कोई भी जो आपकी मर्जी हो। आपको नमक चाहिए नमक लो, आपको आटा चाहिए आटा लो, दाल चाहिए दाल लो, कुछ भी सामान खरीद के आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से आप कभी भी खरीदारी करो, वो एक नंबर की खरीदारी होती है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ज्वाइन करने से कैसे काम होगा, आपको इनकम कैसे आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। यहाँ एक मेरे प्रोग्राम में बहुत पॉपुलर है कहानी, मैं हमेशा वो कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से बिल्कुल एकदम, क्योंकि देखिए जब हम पढ़ते थे उस समय टीचर्स कोई चीज़ को बहुत गहराई से हमें समझाना चाहता था, वो किसी कहानी के माध्यम से समझाते थे। कहानी के माध्यम से जब आदमी बताता है तो उसके जहन में घुसती है। एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, पति और पत्नी की, दोनों एक पेड़ के ऊपर रहते थे। अब आप सोचोगे कि हस्बैंड वाइफ पेड़ के ऊपर कैसे रहते थे? तो माय डियर फ्रेंड्स, कूल, वो बंदर और बंदरिया थे। तो बंदर और बंदरिया पेड़ के ऊपर रहते थे, और एक दिन क्या हुआ, अचानक उस पेड़ के ऊपर आकाशवाणी हुई। अचानक आकाश से आवाज आई कि अगले 3 सेकंड में जो भी बंदरिया बंदरिया सामने वाली नदी में अपने लेफ्ट साइड को छलांग लगा देगा, अगर वो बंदर है तो सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा, और अगर बंदरिया है तो सुंदर सी युवा स्त्री बन जाएगी। टिंग टोंग, आवाज बंद होगी माय डियर फ्रेंड। अब ये बात देख के वो बंदर बंदरिया जो पेड़ की डाल के ऊपर धूप सेक रहे थे, सर्दियों का समय था, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अरे आवाज कहाँ से आई। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो बंदर भी बंदरिया की तरफ देख रहा है, बंदरिया भी बंदर की तरफ देख रही है, और उनके दिमाग के अंदर एक बात चली कि यार कहीं कोई हमें मूर्ख बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, भला इस पानी में छलांग लगाने से कैसे कोई सुंदर सा युवा पुरुष या स्त्री बन सकता है। उनके दिमाग के अंदर हलचल चली, क्यूरियोसिटी पैदा हुई, और ढूंढने लगे कि किसने हमें आवाज दी। तो बंदरिया ऐसे पीछे मुड़ के देख ही रही थी कि शायद पेड़ के पीछे से कोई, इतनी देर में एक आवाज और आई, छपाक, बंदरिया ने घूम के देखा तो उसका बंदर जो है वहां नहीं बैठा था। बंदरिया ने पानी में नज़र डाली तो देखा कि लेफ्ट साइड में उसके हलचल थी पानी में, इसका मतलब बंदर छलांग लगा चुका है। ये बात देख के बंदरिया बड़ी मुस्कुराई और सोचने लगी, अच्छा बेवकूफ़ कहीं, जैसे हर पत्नी अपने पति के बारे में सोचती है, मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, उस बंदरिया ने उस पानी में हलचल में देख के सोचा कि यार अच्छा बेवकूफ़ है, इस ठंडे पानी में इस आवाज़ को सच मान के इसने छलांग लगा दी, आने दे बाहर देखती हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो इंतजार करने लगी, लेकिन थोड़ी सी देर में जब बंदर पानी से बाहर आया तो बंदरिया क्या देखती है, वो बंदर नहीं था, वो सुंदर सा युवा पुरुष था। और ये बात देखते ही अचानक बंदरिया ने भी छलांग लगा दी, और जैसे ही बंदरिया पानी में गई, वो सुंदर सा युवा पुरुष बाहर निकल के पेड़ के पास खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि मेरी बेगम साहिबा बाहर आएगी। लेकिन थोड़ी सी देर में होता क्या है कि जब बंदरिया पानी से बाहर आती है तो बंदरिया बड़ी हैरान होती है, उसके शरीर के भूरे भूरे बाल अब भी भूरे भूरे हैं, उसकी लंबी सी पूंछ अब भी वैसे की वैसी है। उसमें माय डियर फ्रेंड्स कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई थी वो क्या थी कि अगले 3 सेकंड में जो भी बंदर या बंदरिया सामने वाली नदी में अपने लेफ्ट साइड को छलांग लगा देगा, वही सुंदर सा युवा पुरुष या स्त्री बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो कंडीशन थी 3 सेकंड की, दूसरी उसने लेफ्ट साइड तो छलांग लगा दी लेकिन 3 सेकंड की कंडीशन जो है वो पार हो चुकी थी। तो थोड़ी देर में जब बंदरिया जब बाहर आई तो अपने पुरुष बन चुके पति देव को देख के वो बड़ी परेशान हुई, और उसने कहा, पति देव तुमने छलांग क्यों लगाई? और ये बात, बंदर मुस्कुराया और उसकी तरफ देख के बोला कि पहले तुम बताओ तुमने छलांग क्यों नहीं लगाई। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस बंदरिया ने कहा कि मैंने सोचा कि कोई हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, भला ऐसे भी कभी कुछ होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस बंदर ने जो जवाब दिया वो ध्यान से समझना, वो हमारे लिए एक शिक्षा है। उसने कहा कि
अरे ये बात तो मेरे दिमाग में भी आई थी कि शायद कोई हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक बात आई, अरे यार इस सामने वाली नदी में तो हम हर रोज ही छलांग लगाते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज रोज धमा चौकड़ी मचाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अगले 3 सेकंड में इधर की बजाय इधर छलांग लगा दें तो हम बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन सकते हैं। तो मैंने सोचा जब हम हर रोज छलांग लगाते हैं और अगर ये बात झूठी भी है और ये प्लान अगर झूठी भी है और मैं छलांग लगा भी दूं और मैं बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष ना भी बना तो बंदर तो हूं ही। माई डियर फ्रेंड्स, इस बात ने माय डियर फ्रेंड्स ये बात अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश ना, कर देना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ अपने इस बिजनेस पे ये कहानी बिल्कुल यूं की यूं लागू होती है, या मैं यूं कहूँ कि ये कहानी मुझ पर यूं की यूं फिट बैठती है। कैसे? क्योंकि बंदरिया तो सुंदर सा युवा पुरुष नहीं बन पाई, मेरे को भी पहली बार जब ये प्लान दिखाया गया था मुझे भी कहा गया था कि एक तरीके से उसी कहानी को अगर इस प्लान पे अप्लाई करके देखें तो मैं यहाँ पे हूँ। मुझे कहा गया था कि आप जाके बार बार छलांग लगाते हो, इधर की बजाय इधर छलांग लगाना शुरू कर दो, आप बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स मैं सोचने लगा इधर इस प्रोडक्ट रूपी नदियां में तो हम हर रोज ही छलांग लगाते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज ब्रश करते हैं, हर रोज मंजन करते हैं, हर रोज पेस्ट करते हैं, हर रोज शेविंग करते हैं, हर रोज क्रीम लगाते हैं, हर रोज पाउडर लगाते हैं, हर रोज साबुन लगाते हैं, हर रोज शैम्पू लगाते हैं, हर रोज आटा खाते हैं, हर रोज दाल खाते हैं, हर रोज नमक खाते हैं, हर रोज चाय पीते हैं, हर रोज कॉफी कप पीते हैं, हर रोज बिस्किट खाते हैं, हर रोज नमकीन खाते हैं, हर रोज आटा खाते हैं, हर रोज सब कुछ करते हैं। माय डियर फ्रेंड हर रोज हम लोग कपड़े पहनते हैं तो इस प्रोडक्ट रूपी नदियां में तो हम रोज ही छलांग लगाते आए हैं। माय डियर फ्रेंड जब मैंने प्लान देखा था 8 फरवरी सन 2001 को, मेरे दिमाग में भी उस बंदर की तरह एक ही बात आई थी पहले कि शायद ये लोग हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल उस बंदर की तरह मेरे दिमाग में आई, अरे यार इस प्रोडक्ट रूपी नदियां में तो हम रोज ही छलांग लगाते हैं, बात सिर्फ इतनी है कि इधर की बजाय इधर लगानी है और बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स उस दिन छलांग लगाना शुरू कर दिया था। वहाँ उस बंदर बंदरिया की कहानी में कंडीशन 3 सेकंड की है, लेकिन हमारे इस बिजनेस में कंडीशन 3 सेकंड की नहीं है। जितनी ज़्यादा छलांग आप लगाओगे उतने ज़्यादा सुंदर से युवा पुरुष बनते चले जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स 8 फरवरी सन 2001 से लेके आज तक मैं इधर की बजाय इधर मार्केट की दुकानों की बजाय आरसीएम के पिकअप सेंटर, आरसीएम के वंडर वर्ल्ड क्यूक, आरसीएम के वंडर वर्ल्ड, आरसीएम के डिपोज और आरसीएम की मीटिंग सेमिनार इवेंट्स में छलांग लगाता जा रहा हूं, और ये विजय विरोधिया बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष बनता जा रहा है। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और ये बिजनेस अगर मेरी जिंदगी बदल सकता है तो यहां आपको मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी ये बदल सकता है, चाहे आप कुछ भी करते हो। मैं आज जानता हूं मैंने 18 साल में मुझे हर तरह के लोग मिले, मेरी टीम में ऐसे लोग भी हैं जो रिक्शा चलाते थे, ऐसे लोग भी हैं जो मजदूर थे जो आज रॉयल टीचर टेक्निकल अचीवर बने, ऐसे लोग भी हैं जो स्टूडेंट थे आदरणीय सुजीत कुमार सिंह आप जानते हैं, आज वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं, लाखों रुपए महीना की इनकम है, ऐसे लोग भी हैं जो पहले से ही ऑफिसर थे, ऐसे लोग भी हैं जो राजनेता थे, ऐसे लोग हैं जो अभिनेता थे, हर तरह के काम करने वाले लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ के सिर्फ उन्होंने क्या किया, दुकान ही तो बदली है। अरे सामान कौन नहीं खरीदता, हर व्यक्ति को सामान खरीदना पड़ता है, बस इधर की बजाय इधर से सामान खरीदने शुरू कर दो। और इसकी इंपॉर्टेंस एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स मेरे चैनल पे मैंने हर संडे 10 बजे मैं वेबिनार देता आया हूँ, मेरा इस संडे लास्ट वेबिनार मैंने किया क्योंकि अभी लोगों ने फील्ड में निकलना शुरू कर दिया। मैं हर संडे 10 बजे वेबिनार देता हूँ, उस एक वेबिनार के अंदर मैंने जो रिकॉर्डेड है मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो वन बाय वन वो देख सकते हैं, उस पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था एक बोतल का, जिस बोतल के एग्जाम्पल को आदरणीय मुकेश कोठारी जी ने भी कोट किया था जब सम्मुखानंद हाल मुंबई में मेरे प्रोग्राम में उन्होंने सुना था, उसको खानदान बोतल के रूप में बताते हैं। आज भी मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में कि अगर आप दुकान बदलते हैं तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है और कैसे होता है, सिंपल सी चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ एक चीज़ देखिए, दैट इज़ द
क्यों बता रहा हूँ, करना क्या है इसके अंदर, आपको दुकान बदलनी, और दुकान बदलने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है वो इस बोतल के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए सिंपल सा, थोड़ी सी देर के लिए सोच लें कि ये एक जादुई बोतल है, और ये जो बोतल है इसके बारे में ये है कि ये एक बहुत बड़ी बोतल है, और आप जो भी कमाते हो, चाहे 10,000, 20,000, 30,000, 1,00,000 रुपया महीना जो भी आपकी इनकम है वो मान लेते हैं इतनी है, और इतनी होती है सर आज के समय में, इतनी सी इनकम है, और वो इनकम आप इस बोतल में डालते हो हर महीने। ये बोतल, इसको आप अपना बैंक अकाउंट मान लें, इस बोतल को अपना वॉलेट मान लें, इस बोतल को अपनी आप तिजोरी मान लें, वट एवर, लेकिन समझने के लिए है। सपोज करो आप एक महीने की जो भी इनकम आई वो इसमें डाल दी, वो नीचे जाके गिर जाएगी। अगले महीने की फिर इनकम आपने जो कमाई वो इसमें डाल दी, वो नीचे जाके गिर जाएगी। और अगर इसके अंदर आप हर महीने इनकम डालते रहे तो धीरे धीरे ये बोतल भरेगी, ये तो नेचुरल है, साइंस बोलती है कि भरेगी, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो जैसे ही आपने अपनी एक महीने की इनकम इस बोतल में डाली वो नीचे जाके गिर गई, और ये बोतल जैसे जैसे भरेगी, सोचिए जरा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बोतल जैसे जैसे भरेगी वैसे वैसे आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अगर ये बोतल इतनी भरी तो आपकी ज़रूरतें ही पूरी होंगी, ये बोतल अगर इतनी भरी तो आप ठीक ठाक जिंदगी जिएंगे, ये बोतल अगर इतनी भर गई तो आप लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देंगे, आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाएंगे, ये बोतल अगर इतनी भर गई आप और शानदार लाइफ जीने लग जाएंगे, और ये बोतल इतनी भर गई आपको पैसे के मामले में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बल्कि ये सोचोगे कि पैसे खर्च कहाँ करूँ, और ये बोतल भाई डाय इतनी भर गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप हर महीने इसमें बोतल में पैसा डालेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत है, धीरे धीरे ये बोतल भरेगी ही भरेगी, लेकिन रियलिटी इज दैट कि आप इस बोतल में अपनी मेहनत की कमाई डालते हैं लेकिन ये बोतल भरती नहीं है, दैट इज रियलिटी। क्यों? उसका रीजन है कि इस बोतल में यहां छेद है। पहला छेद एक नहीं है, छेद बहुत है। पहला छेद जो आपके रसोई के खर्चों की तरफ जाता है, जो भी आपने इनकम डाली, अब आपके घर में रसोई भी है, किचन है, आपको खाना भी चाहिए, तो उस खाने के लिए आटा भी चाहिए, तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, चाय भी चाहिए, कॉफ़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और वो जो भी चाहिए वो पैसे से ही आता है, वो आपने जो कमाया है उसी पैसे से आएगा, तो उस कमाई में से, उस छेद में से रसोई के खर्चों के लिए आपकी इनकम निकल जाती है। और एक ही छेद होता तो शायद आपकी बोतल फिर भी भरती, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इधर एक दूसरा छेद भी है जो आपके बाथरूम के खर्चों की तरफ जाता है। आपको बाथरूम में शैम्पू चाहिए, आपके बाथरूम में साबुन चाहिए, सेविंग क्रीम चाहिए, सेविंग रेजर चाहिए, लिक्विड ब्लू चाहिए, आपको वॉशिंग पाउडर चाहिए, ऐसे जितनी भी आइटम आपके बाथरूम में चाहिए, टॉयलेट क्लीनर चाहिए, वंडर वॉश चाहिए, वो सब कुछ के लिए खर्चे इस छेद में से निकलते हैं। तो दूसरा छेद इधर हो गया, अगर दो भी होते तो भी शायद जल्दी आपकी बोतल भरती, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स दो नहीं है, यहाँ तीसरा छेद भी है जो आपके बच्चों के खर्चों की तरफ जाता है। आपके बच्चों को चोको चाहिए, आपके बच्चों को कॉर्नफ्लैक्स चाहिए, आपको बच्चों को एनर्जी वीटा चाहिए, आपके बच्चों को कॉपी चाहिए, आपके बच्चों को पेन चाहिए, उनके लिए यहाँ से खर्चा निकलता है। माय डियर फ्रेंड्स एक छेद यहाँ भी है जो आपके बीवी के खर्चों की तरफ जाता है। आपकी बीवी को लिपस्टिक चाहिए, क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, आपको काजल चाहिए, वो सब खर्चा यहाँ से निकलता है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ आपके खर्चों का छेद भी है, आपको भी कोट चाहिए, टाई चाहिए, सूट चाहिए, परफ्यूम चाहिए, डियो चाहिए, पाउडर चाहिए, सेविंग क्रीम चाहिए, रेजर चाहिए, आपके लिए भी यहाँ से खर्चे निकल के लिए पैसा निकलता है। एक छेद इधर है जो आपके घर के खर्चों की तरफ जाता है, एक छेद इधर है जो किसी और खर्चे की तरफ जाता है। कुल मिला के माई डियर फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी ये बोतल जो है ना, बोतल नहीं रही, ये छलनी बन गई है, इसीलिए आप जो भी यहाँ से डालते हो वो यहाँ से तुरंत निकल जाता है, इसलिए आपकी ये बोतल कभी भी नहीं भरती, और इसीलिए हमारे सपने पूरे नहीं होते। लेकिन आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी ये बोतल भर सकता है। कैसे? सिंपल सी बात है, ये करता क्या है कि आपकी जो यहाँ रसोई के खर्चों वाला छेद है ना माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम क्या करता है, उस पर जबरदस्त बढ़िया सी पाइप फिट करता है। वो पाइप ऐसी फिट करता है कि उसमें कोई लीकेज ना हो, और उसमें से जो भी खर्चा निकलता है वो वापस इनकम बन के आपकी बोतल में वापस डल जाता है। और इधर जो दूसरा खर्चा है माय डियर फ्रेंड्स,
आप करना थोड़ा सा जोश आ जाता है मुझे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये बेसिक चीज़ है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, आरसीएम बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ कॉमन सेंस, हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज जोर लेके ये बात बता रहा हूँ। एक छेद यहाँ है जो बाथरूम के खर्चों की तरफ जाता है, यहाँ भी आरसीएम एक पाइप फिट करता है, यहाँ से भी जो खर्चा निकलता है वो भी इनकम बन के वापस आपकी बोतल में डल जाएगा, यहाँ जो खर्चा है बच्चों की तरफ जाता है वो भी इनकम बन के वापस आपकी बोतल में डल जाएगा, यहाँ भी एक पाइप लगी है वो भी इनकम बन के जब आप वापस आपकी बोतल में डल जाएगा। सोचो जब हर छेद पे अगर पाइप लग जाए और वो इनकम में कन्वर्ट होके वापस आपकी बोतल में आने लग जाए, बताइए आपकी बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी। माय डियर फ्रेंड्स इट्स अ साइंटिफिक रीजन, ये होगा और इसीलिए जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको करना ही चाहिए, बल्कि करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप जब भी ज्वाइन करेंगे वैसे ही आपकी बोतल पे आरसीएम एक एक पाइप फिट कर देगी, बस आपको ये ख्याल रखना है कि वो पाइप लीक नहीं होनी चाहिए। लीक नहीं होने का मतलब क्या है कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है, वहाँ कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, यहाँ मेरी अपने डिस्प्ले में ये जो मंदिर देख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, ये मंदिर है, ये कोई दुकान नहीं है, इसको हम अपनी दुकान मैजिक कॉर्नर बोलते हैं, ये मैजिक करता है, जादू करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए नियामत है, ये हमारे लिए वरदान है, ये अमृत है, ये वो प्रोडक्ट हैं जो मेरे को हेल्थ देते हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमें जीवन देते हैं, यही वो प्रोडक्ट हैं जो बोतल में पाइप फिट करते हैं और वापस आपकी बोतल में इनकम बन के आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बस अगर आप गलती से WCM के प्रोडक्ट बीच में लेना शुरू कर देते तो ये समझो कि आप अपनी पाइप में छेद कर रहे हो, आपकी बोतल में जो इनकम बन के आएगी वो लीक हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल से बोतल भरेगी, इसलिए आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं यही एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ और काफ़ी जोश में मैं ये बात आपको बता गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सा बेसिक थिंग ये आपके लिए ज़रूरी है। अब मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स अब ये क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और इसमें इसको इस तरीके की बजाय इस तरीके से माल लेने वाले सिस्टम को इसको इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। पिछले मेरे वेबिनार में मेरा यही टॉपिक जो है वो बीच में छूट गया था जब अचानक से लाइट गुल हो गई थी, क्योंकि उस समय हम तुरंत ही लाइव आए थे और उस समय हम सीख रहे थे। हमारा ये नया यूट्यूब चैनल अभी एक महीना ही हुआ है अपने को, अभी चले एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, एक महीने से ही हम लोग इसके ऊपर ये सिस्टम जो है आप लोगों के कनेक्शन में आ रहे हैं, तो अभी हमने सीखा है। अब बहुत बढ़िया रेगुलर जो है आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स वहाँ मेरा टॉपिक बीच में छूट गया था, वो टॉपिक आज मैं अब आपके बीच में लेने जा रहा हूँ। तैयार हैं? डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पे मत जाओ, हमारे चेयरमैन आदरणीय मुकेश कोठारी जी नहीं करे, फॉर्मर चेयरमैन श्री सुरेंद्र वस्जी भी नहीं करे, बल्कि मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स बताते हैं कि ये सिस्टम कोई मामूली सिस्टम नहीं है और कोई आज का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सेंचुरी होने वाली है इस सिस्टम को। आपको एक चीज सिंपल सी बात बताऊंगा, देखिए इस दुनिया में तीन तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और पिछड़े हुए देश। तो माय डियर फ्रेंड्स जो चीज़ विकसित देशों में आज से 25-30-50 साल पहले होती है, उसके बाद विकासशील देशों में होती है और उसके बाद कोई चीज़ पिछड़े हुए देशों में होती है। वो कोई भी डेवलपमेंट आप देख लो आज तक की, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो रोड को लेके हो, चाहे वो ट्रेन्स को लेके हो, आप खुद देखिए जो रोड विकसित देशों में आज से 25-30-50 साल पहले थे, आज विकासशील देशों में वैसे रोड हैं। भारत में आज हाईवेज हैं, आज के 25 साल पहले नहीं थे, लेकिन अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली में थे, यहाँ अब भी नहीं है, बर्मा, भूटान, नेपाल, यहाँ अब भी वैसे नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेन, जो मेट्रो ट्रेन यहाँ पे आज से 30-40-50 साल पहले चलते थे, यहाँ पे सिर्फ 25-30 साल पहले अभी चलनी शुरू हुई हैं, 20-25 साल पहले ही चलनी शुरू हुई हैं, अभी 19 साल दिल्ली मेट्रो को हुए हैं, तो कुल मिला के यहाँ पहले हुआ, बाद में यहाँ हुआ। अब बुलेट ट्रेन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड के विकसित देशों में बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की बातें दौड़ रही हैं, बताइए दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? पक्का दौड़ेगी, क्योंकि यहाँ हुआ है तो यहाँ भी होगा, यहाँ किसी सरकार का कोई लेना देना नहीं, इससे चेंज, परिवर्तन है वो होके रहता है, जो यहाँ होता है वो
बाद में भी यहाँ होता है। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में राजनीति की स्पीच नहीं दे रहा, मैं यहाँ अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को भी देखें तो वर्ल्ड के विकसित देशों में आज से नहीं बल्कि 30-40 साल पहले से भी नहीं बल्कि लगभग सैकड़ों साल पहले विकसित देशों में ये कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। और वर्ल्ड के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट डी कियोसाकी, एलन पी, जस्टिना डिगवुड, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, ये सब लोग इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अगर आज के समय में माय डियर फ्रेंड्स नो उल्लू बनावी, नेट के ऊपर सर्च करना बिल गेट्स अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आपको पता चल जाएगा। उस आदमी को भी एक व्यक्ति ने जब ये पूछा पत्रकार ने कि जी बताइए व्हाट विल डू इफ यू विल लॉस ईच एंड एवरीथिंग, यदि आप सब कुछ खोदोगे तो क्या करोगे, उसने तुरंत बोला आई विल गो थ्रू द डायरेक्ट सेलिंग। अरे उसको भी पता है कि जिंदगी के किसी भी स्टेज से किसी भी स्टेज पे जाना है तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और अमेरिका जो दुनिया का सबसे विकसित देश है माई डियर फ्रेंड्स, उस देश से सीखें, वहाँ आज से नहीं लगभग 100 सालों से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, 70 से 100 साल के बीच में वहाँ पर ये चीज़ चल रही है बहुत तेज़ी से। और ये विकासशील देशों में भी होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज नंबर 1 और 2 पे अमेरिका और चाइना है और दोनों के दोनों विकसित देश हैं माय डियर फ्रेंड्स। और हमारा भारत अभी विकासशील देश है या पिछड़ा हुआ देश है इसी में ही जूझ रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन कुछ भी हो पर हम भारतीय हैं, हमें पता है कि अगर वहाँ ये हो रहा है तो यहाँ भी होगा। हर व्यक्ति की जरूरत नहीं, मजबूरी बनने वाला है ये सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स ये क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है और ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होगा। हर व्यक्ति को इस कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ द रियलिटी। इसको थोड़ी सी गहराई से आप समझें। और जो विकसित देशों में आज से 25-30-50 साल पहले होता है बाद में विकासशील देशों में भी होता है, ये मैं अभी आपको प्रूव करने वाला हूँ। अगर वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, इसको ध्यान से समझना आप जरा। मैं आपको यहाँ एक देश का एग्जांपल देता हूँ, वो है अमेरिका। अमेरिका वर्ल्ड का सबसे विकसित देश कहलाया जाता है। अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट आज से नहीं लगभग 80 से 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। हमारा है इंडिया, ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स, ये है इंडिया। हमारे यहाँ 20-22 साल पहले भारत के लोगों को ये पता चला कि इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से भी सामान खरीदने से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है। हुआ क्या कि जब ये कॉन्सेप्ट यहाँ चला, क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा बहुत है और नया कुछ भी नहीं करना, इस चीज़ को देखे यहाँ बहुत तेज़ी से ये बिज़नेस बूम करना शुरू कर दिया। पहले लगभग 10-15 साल ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका में ये बिज़नेस बढ़ा, लेकिन उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स जैसे आप खेती करते हैं तो खरपतवार भी उगती है, इसी तरीके से अमेरिका में भी हुआ कि जब ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से रन किया तो बहुत से खरपतवार, बहुत से असामाजिक तत्व, आपको पता है हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो जो बुरे लोग थे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की बजाय मनी सर्कुलेशन, चिट फंड, लोगों को उल्लू बनाने के धंधे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे करने शुरू कर दिए। दैट इज़ अ सो कॉल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ, ऐसी भी बहुत सी आई। लेकिन यहाँ पे जब बहुत से लोगों को लूटा गया, बहुत से लोग इसमें गुमराह होने लगे तो गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है, उन्होंने बैन कर दिया और वहाँ पे धड़ाम से बिजनेस नीचे आया। ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, अभी अमेरिका की बात कर रहा हूँ और ये आपके लिए जानना जरूरी है। जब वहाँ धड़ाम से बिजनेस आया तो यहाँ लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग एक एथिकल बिजनेस है, मनी सर्कुलेशन और चिट फंड वो अलग है, उसको अलग करें। और यहाँ आंदोलन चला माय डियर फ्रेंड। 4 साल संघर्ष करने के बाद आखिर गवर्नमेंट ने यहाँ गाइडलाइन दी और उसके बाद फिर दोबारा बिजनेस उठता चला गया। और आज लगभग 80-100 साल के बाद यहाँ पे बिजनेस लगातार बूम कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये वर्ल्ड का नंबर 1 देश बना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लीड करने वाला, जिसके अंदर आज अगर राष्ट्रपति भी है तो आपको जान के हैरानी होगी कि इससे पहले जो राष्ट्रपति हुए हैं बिल क्लिंटन,
बिल क्लिंटन जी ने, ओबामा की बात नहीं कर रहा मैं, बिल क्लिंटन जी ने तो वीडियो जारी किया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप सर्च करना। उसने तो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो है ही एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आदमी, उसकी तो किताबें हमने पढ़ पढ़ के इस सिस्टम को सीखा है, वो बहुत सी मिल जाएंगी। तो कुल मिला के ये सोचो कि आज अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक आदमी राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है, तो जो यहाँ होता है वो यहाँ भी होता है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ भारत की अगर हम सिचुएशन देखें तो भारत में भी जब ये बिज़नेस शुरू हुआ तो पहले 10-15 साल बहुत तेज़ी से इसने बूम किया और बहुत आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ भी बहुत सी मनी सर्कुलेशन, चिट फंड कंपनियाँ और बहुत सी चीज़ें हैं। आप सब लोग भारतीय हैं, आपको पता है कि भारत में इतनी आसानी से कार्रवाई नहीं होती यहाँ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ भी बहुत सी कंपनियां जो हैं वो जब ये पीक पे चल रहा था तो बहुत से असामाजिक तत्वों ने, बहुत से ऐसे लोगों ने जो नेगेटिव टाइप के लोग हैं, लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करके लोगों को कैसे ठगा जाए, ऐसे लोग जो हैं उन लोगों ने मनी सर्कुलेशन, चिट फंड कंपनियां बनाई और यहाँ पे भी बहुत सी शिकायत हुई, बहुत से लोग बेचारे बर्बाद हो गए। उनको पता नहीं था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाट इज़ द चिट फंड कंपनी। उनको नहीं पता था व्हाट इज़ द मनी सर्कुलेशन कंपनी, जहाँ पैसे का लेन देन हो, उन चीज़ों के बारे में अंतर नहीं पता था। गवर्नमेंट को नहीं पता था, गवर्नमेंट ने यहाँ भी बैन कर दिया, यहाँ भी ताला लगा, यहाँ भी कार्रवाई के नाम पे इवन देन आपके सिस्टम के ऊपर भी आँच आई और हमारा बिजनेस धराम से नीचे गिरा। यहाँ 4 साल संघर्ष किया था माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास अनुभव था पिछला, हमें पता था। हमारे यहाँ 1 साल के अंदर ही हम लोग गाइडलाइन बनाने में सफल हुए और 10 सितंबर सन 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन बना दी। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको गर्व होना चाहिए इस बात पे, वो गाइडलाइन बनवाने वाले हम यानी कि आरसीएम के लोग हैं। और ये गाइडलाइन बनने के बाद हमारा बिजनेस कंटिन्यू एंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है और इसको कोई नहीं रोक सकता। जो यहाँ होता है वो बाद में यहाँ भी होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये मिटा दिया, अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और बताना चाहता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट क्या है, ये है क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, हर व्यक्ति को इस पे आना पड़ेगा, लेकिन इस सिस्टम पे तो बहुत सी कंपनियाँ होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब ये सिस्टम बहुत बढ़िया है तो फिर हम जो बता रहे हैं आपको, आरसीएम ही क्यों करें, किस कंपनी को करो आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर तो आज के समय में मोर देन 3 लाख कंपनियां, 3 लाख से ज़्यादा तो भारत में रजिस्टर्ड हैं जो सो कॉल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें चिट फंड, मनी सर्कुलेशन, क्योंकि अभी गाइडलाइन इशू हुई है, अभी कानून नहीं बना, लोगों को पता नहीं है, गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह नहीं पता है कि क्या एथिकल डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर 3 लाख हैं तो आप करोगे किसको, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें मैं आपको आज मदद कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर, रॉबर्ट कियोसाकी, एलन पी, जॉस्टिन आर्टिगुड, और भी दिग्गज बिजनेस एडवाइजर और पूरी दुनिया के एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज लीडर्स, वो लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए, लेकिन किस कंपनी में जाएं इसके बारे में वो कंपनी का नाम नहीं बताते, लेकिन इशारा करते हैं कि किस में जाना चाहिए। और आज मैं आपका वो सवाल हल करने वाला हूँ, वो कुछ चीज़ें जो वो बताते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जानना चाहते हैं तो डटे रहिए। पहली चीज़, सबसे पहले वो बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि जिस कंपनी को भी आप वॉच कर रहे हैं, जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले देखें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। भाई, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना मजबूत है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग आपके फ्यूचर का बिजनेस है, आप भविष्य के लिए करते हो, लाइफ टाइम के लिए करते हो, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, क्योंकि आप जो नेटवर्क बना रहे हो वो फ्यूचर में आपको काम आएगा।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कमज़ोर है और कल को गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत भी सिस्टम चेंज हुआ या किसी कारणवश कोई सिरफरा कोई राजनेता आ गया और उसने कोई सिस्टम चेंज कर दिया, तो उस सिस्टम पे सर्वाइव करने की पोजीशन है उस कंपनी की। कोई हल्का फुल्का झटका अगर लग जाए कोई नियमों का तो वो कंपनी सर्वाइव कर सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हिल जाए। दूसरी चीज़ बोली जाती है माय डियर फ्रेंड्स कि उस कंपनी के आप प्रोडक्ट्स देखिए। क्यों देखिए प्रोडक्ट्स? क्योंकि प्रोडक्ट ही बिजनेस होता है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू टर्नओवर एंड टर्नओवर इज इक्वल टू बिजनेस, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही खरीदने से आपका टर्नओवर बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए इसके बारे में दुनिया के सबसे पहले करोड़पति जे पॉल गेटी जी ने कहा है कि प्रोडक्ट डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल। जितने ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल होंगे आपकी कामयाबी की संभावना उतनी ही ज़्यादा होंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स कहते हैं। तो दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स देखिए, और तीसरी चीज़ माय डियर फ्रेंड्स वो बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम देखिए। एजुकेशन सिस्टम क्यों देखिए? वो भी पहले वाला ही कारण है, उसका रीज़न ये है। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि आपको कोई आदमी मोटिवेट करता है, आप उस बिजनेस को समझ जाते हैं और उसके अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, और कल को आपको पता चला कि इतना सारा कंपटीशन है, बहुत से लोग इस दुनिया में सब कुछ खरीद फरोख्त होती है, क्या पता किसी ने प्रलोभन दे दिया और जिस व्यक्ति की वजह से आप आपके कॉन्सेप्ट में आए थे और वो एक व्यक्ति किसी और कंपनी में बिक गया या भाग गया, तो आपका क्या होगा? तो ऐसे समय में कोई एजुकेशन सिस्टम है जो आपको संभाल ले। आप ना भी करो तब भी आपका काम चलता रहे, आप रहो चाहे ना रहो तब भी आपका काम चलता रहे, उसके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो तीसरी चीज़ ये बताई जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, ये मेरी नहीं है, दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स की एजुकेशन का निचोड़ है कि ये तीन चीज़ देखिए। और आप भी अगर अपने दिमाग से थोड़ा सा भी जोर देके इसको सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस दैट्स इंपॉर्टेंट। अब मेन चीज़ ये है कि ये तीन चीज़ देखें तो हमारे भारत में किस कंपनी, किसी को भी देख लो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हमें गर्व है क्योंकि हम जिस सिस्टम में हैं एंड दैट इज RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। और ये कॉन्सेप्ट, ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में सभी कंपनियों की बात है, ये कहते हुए हमें गर्व होता है माय डियर फ्रेंड्स। कैसे? आप देखिए, मैं यहां कहता हूं बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में RCM नंबर 1 है। यहाँ आपको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 25.5 लाख स्क्वायर फीट में का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ भीलवाड़ा राजस्थान में है। इसके अलावा भगवानपुर रुड़की के अंदर हमारा उतना ही बड़ा प्लांट है जिसके अंदर मैंने खुद विजिट किया है। इसके अलावा आसाम के प्लांट हैं, हिमाचल, आसाम, सिक्किम, पता नहीं कितना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है माई डियर फ्रेंड्स। हमारे खुद के सारी फैक्ट्रीज, उसके बाद हमारे डिपो सेंटर, कंपनी की खुद की अपनी प्रॉपर्टी में, अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी का डिपो सेंटर है। दिल्ली का डिपो कंपनी का खुद के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वाराणसी का डिपो, मालदा का डिपो, पटना का डिपो, ऐसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम, हालांकि ये प्राइवेट हाथों में भी दिए हैं, आप भी डिपो खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिपो का भी कंपनी का खुद का है। उसके बाद वंडर वर्ल्ड, बहुत से वंडर वर्ल्ड कंपनी के खुद के हैं, करनाल वाला वंडर वर्ल्ड कंपनी का खुद का है, दिल्ली वाले वंडर वर्ल्ड भी कंपनी के खुद के हैं, ऐसे बहुत से वंडर वर्ल्ड कंपनी के खुद के हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं भारत के अंदर कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो कई कंपनियां मिलके हमारे एक सिर्फ वंडर वर्ल्ड जो हमारी छोटी सी काई है उसी के अंदर समा जाएंगे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी इस कंपनी का है और इस कंपनी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी देता है आपको कि यहां छोटी मोटे झटके ही नहीं, बड़े बड़े भूकंप भी आ जाए ना तो भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। कंपनी हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है और ये हमारा इस चीज़ पे बहुत बड़ा गर्व है और ये होना भी चाहिए। और दूसरी चीज़ माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट की बात अगर देखें तो डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल। माय डियर फ्रेंड्स, RCM से ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी में, तो विजय विरोधिया चैलेंज करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें गर्व है कि हमसे ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के पास नहीं आ रहे। माय यार,
सोचो नमक जैसा प्रोडक्ट जो ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक कंपनी 14-15 रुपए में आपको देती है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से, उसके बिजनेस वॉल्यूम का भी 45% आपको रिटर्न, कोई कंपनी भाई साहब सोच भी नहीं सकती, हम दे रहे हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ RCM। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हर चीज़ में प्रोडक्ट। अभी हमारा सैनिटाइज़र आया मार्केट में, 120-125 रुपए के सैनिटाइज़र मिल रहे थे, उस समय हमारा 50 रुपए में सैनिटाइज़र आ गया माय डियर फ्रेंड, उसका बिजनेस वॉल्यूम भी आपके पास वापस। इसी तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं आज तक, आप मैं कहता हूँ सर्च लाइट लेके ढूंढ लो पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में किसी कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप खुद भी देखें, मेरे कहने पे मत मांगने। और तीसरी चीज़ है माय डियर फ्रेंड, एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम जिस चैनल के ऊपर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम इतने शानदार धुरंधर लीडर्स का एजुकेशन सिस्टम जो इस कंपनी के साथ है, जो हर चैलेंज में आपके साथ खड़ा है। इतने ज़्यादा मीटिंग, सेमिनार, इवेंट किसी भी कंपनी के नहीं होते, इतना बढ़िया सपोर्टिंग सिस्टम किसी का नहीं है। खुद सोच के देखो, आज आपके घर घर में सेमिनार पहुंच रहा है। हमें ये जितना बड़ा चैलेंज आया पूरी दुनिया पे, इस चैलेंज पे भी हमने रास्ता निकाल लिया, और ये पावर है इस एजुकेशन सिस्टम की। हमें मैं सलाम करता हूँ हमारे चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र जी वस, जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्राइड बने हुए हैं, गर्व है, पूरी इंडस्ट्री सलाम करती है RCM को और RCM वालों को। क्यों? क्योंकि RCM की वजह से ही डायरेक्ट सेलिंग का वजूद हिंदुस्तान में है, और आज सुरेंद्र जी वस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो वो हमारे पहले चेयरमैन, और इस समय जो हमारे चेयरमैन हैं आदरणीय मुकेश कोठारी जी, हम सलाम करते हैं उनको कि ऐसे ऐसे सशक्त हाथों में हम लोग हैं, और ऐसे ऐसे धुरंधर लीडर जो इसी चैनल पे हर रोज आपको मिलते हैं, ऐसे लीडर्स आपको मिलते हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया आज अगर किसी कंपनी के पास है, तो वो भी RCM के पास है। और माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इसके अलावा इसके हाथ इतने मजबूत हाथ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे हालांकि ये कंपनी के खुद के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब कुछ है हमारे पास जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चर हैं। इसके अलावा हमारे हाथ इतने मजबूत हैं, सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज। अरे माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी कंपनी जो लगभग 150 देशों पे राज करती है मेडिसिन के मामले में, इप्का लेबोरेटरीज, ये कंपनी जब न्यूट्राश्यूटिकल में आई, इसके लाइफ टाइम एग्रीमेंट RCM के साथ हुए। इन्होंने सोचा कि यार किस कंपनी के साथ हाथ मिलाएं, न्यूट्रिशन तो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है। इन्होंने लगभग 1.5 साल रिसर्च की, और इन्होंने डिसीजन लिया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो JRCM कहना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कंपनी के आज लगभग 18-20 तरह के हमारे न्यूट्रिशन हैं, और जो दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन अगर किसी कंपनी के पास हैं तो हमारे पास हैं। हमें गर्व है इस बात का। क्लिनिकल अपूर्ण प्रोडक्ट हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास क्लिनिकल अपूर्ण प्रोडक्ट नहीं है। इसके जो न्यूट्रिशन है, उनके इंग्रेडिएंट्स देखो, कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती वैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करने का, वो चीज़ हमारे पास है। इतनी बड़ी कंपनी और इतना बढ़िया है इसका सिस्टम, जिसके 500 से ज़्यादा तो खुद के साइंटिस्ट हैं, इसका लाइफ टाइम एग्रीमेंट हमारे साथ है। तो ये न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हमारा गर्व हैं। इसके अलावा हरित संजीवनी, माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, हमारी धरती माता को स्वस्थ बनाने के लिए, किसान भाइयों को स्वस्थ बनाने के लिए, हमारे देश को स्वस्थ बनाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक कंपनी जो लगभग 25 देशों में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। हमें गर्व है इनके ऊपर भी कि ये जिसकी अमेरिका भी ग्राहक है, अमेरिका जो प्रोडक्ट को फूंक मार मार के लेता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो भी हरित संजीवनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। इस कंपनी का भी हिंदुस्तान में हमारे साथ लाइफ टाइम एग्रीमेंट है। आज लगभग इसके भी बहुत से प्रोडक्ट हमारे साथ हैं जो हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए, और हर जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर व्यक्ति के लिए वरदान बना हुआ। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इतना जहर जो है वो प्रोडक्ट हो रहा है, वो जहर को ये दूर कर सकती हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारे हाथ हैं, गुड डॉट। माय डियर फ्रेंड्स, गुड डॉट एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट जो
फ्यूचर का फूड जिसको बोला जाता है, क्योंकि आप सबको पता है इस समय तो लोगों को ये बात, अरे मैं कहता हूँ ये जो समय चल रहा है लॉकडाउन और कोरोना का टाइम, इस समय में आरसीएम को, लोगों को आरसीएम वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंट वैसे ही समझ में आना चाहिए। इस गुड डॉट को भी लोगों को समझा दिया, क्योंकि इस समय हर व्यक्ति डरा हुआ है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन बहुत लोग हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन नॉन वेज खाने के दो कारण होते हैं, एक प्रोटीन लोगों को चाहिए और दूसरा स्वाद वैसा चाहिए, वो उनकी जीभ पे लग जाता है, बोलते हैं ना खून मुंह लग गया, माफ करना शब्द बुरा हो सकता है लेकिन ये सच्चाई है, वो टेस्ट जो है वो नॉन वेजिटेरियन जानते हैं, वो टेस्ट और वो प्रोटीन लोगों को चाहिए, लेकिन उसके लिए वो नॉन वेज पे आश्रित होते हैं, नॉन वेज खाते हैं, लेकिन नॉन वेज का सब्स्टिट्यूट, अरे नॉन वेज में तो इतने सारे वायरस होते हैं, इतनी सारी बीमारियां होती हैं, इतना सारा कोलेस्ट्रॉल होता है, इतना सारा फैट होता है, अब ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, ऐसी कोई चीज़ जो नॉन वेज को रिप्लेस कर सके, जिसके अंदर फैट बहुत कम हो, ना के बराबर हो, जो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल जीरो हो और नॉन वेज से भी ज़्यादा प्रोटीन हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट, जिसके भी आज लगभग 8-10 तरह के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जो मार्केट के अंदर तहलका मचाए हुए हैं, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट जो आने वाले समय का फूड है वो आपके पास है, ये हमारे साथ है। इसके अलावा ओथेंजा, जिसको हमारे टीसी छाबड़ा जी के लड़के सौरभ जी देखते हैं, एक ऐसा ब्रांड जो रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर बहुत ही शानदार है, ये हमारे साथ है। इसके अलावा लेडीज प्रोडक्ट के लिए की सोल, जिसको हमारे टीसी छाबड़ा जी की सुपुत्री प्रियंका छाबड़ा जी देखती हैं, ये ब्रांड जो लेडीज़ के सारे प्रोडक्ट, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, अंडरगारमेंट्स, पैड्स वगैरह सब कुछ लेडीज़ का डिपार्टमेंट पूरा है, इतना बड़ा हाथ हमारे साथ है। इसके बाद प्रेस्टीज के बर्तन, टीवीएस की बाइक्स, और इसके अलावा आपके पास माय डियर फ्रेंड्स कितने बताऊं, इतने इतने शानदार, इंडिया की सबसे बड़ी बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रायोरिटीज़ के बैग, इतने सारे हाथ के साथ आपकी ये आरसीएम सबकी बाप है और हमें गर्व है इस बात का। इस चीज़ को माय डियर फ्रेंड्स ध्यान में रखते हुए आप इस सिस्टम को शुरू करें, और अगर इस सिस्टम को आपने शुरू कर दिया तो ये बिज़नेस आपको ना सिर्फ इनकम देगा बल्कि ओरिजिनल प्रोडक्ट देगा और देश सेवा करने का मौका भी देगा। वो कैसे माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ को प्रमोट किया है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हैं, अगर इस सिस्टम में नहीं हैं, तो मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, अगर नहीं हैं तो एक तरीके से हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बड़ा बुरा लगेगा लेकिन है ये, क्योंकि जब भी आप दुकान से सामान खरीदते हो उसका बिल नहीं बनता माय डियर फ्रेंड्स, उसके ऊपर टैक्स चोरी किया जाता है, और देश के सरकार की या देश की इनकम जो है वो टैक्स से ही आती है। देश को अगर आगे बढ़ना है तो आपके टैक्स से ही आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर अगर आप आते हैं तो एक रुपये का शैम्पू भी अगर आप खरीदते हो तो उसका 100% पक्का बिल बनता है, आप अगर नहीं भी लोगे तो भी बिल कटेगा और गवर्नमेंट को उसका टैक्स जाएगा, जीएसटी और सारे टैक्स जो हैं वो जाएंगे। हम भी इवन देन हम लोग लाखों रुपया महीना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हमें गर्व है इस बात का कि हम, क्योंकि जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनका तो टैक्स जाता ही है, जो हमारी इनकम है उसके ऊपर भी टैक्स जाता है, इसके अलावा जीएसटी भी लगता है, जीएसटी भी, सी जीएसटी भी, सारे टैक्स हर महीने हम लोग भरते हैं इनकम के ऊपर भी, और वो आप भी भरेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा की इनकम जब सालाना आपकी होती है तो जीएसटी भी आपकी इनकम पे लगता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो वो इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स आप लोग देते हैं, और जब आप सामान खरीदते हैं तो पक्का बिल करता है, तो एक नंबर का काम होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको शुरू करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं, द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए माय डियर फ्रेंड्स एक ही आदमी महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो। और माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि हम सबका ये यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन सिस्टम, इसको इतना प्रमोट करें ताकि हर भारतीय को हम लोग फायदा पहुंचा सकें, हर इंसान से इसको सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकॉन दबाएं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने हर जानकार को, और उनको बताइए, उनको समझाइए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स भारत के हर नागरिक को आरसीएम की जरूरत है, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट कहां से मिले, एक्स्ट्रा इनकम कहां से मिले,
स्वास्थ्य कहाँ से मिले, उनके सपने कैसे पूरे होते हैं, लोगों को जरूरत है लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं मिल रहा। माय डियर फ्रेंड्स, यूनिक एजुकेशन सिस्टम और आप उनको बता सकते हैं। आइए इस मुहिम में जुड़ें और इस भारत को आर्थिक आज़ादी के अभियान में आगे बढ़ते हुए आरसिम के साथ कंधे से कंधा मिला के लोगों के स्वास्थ्य के लिए और लोगों के लिए काम करके हम लोग आगे बढ़ते चलें। हम सब लोग आपके साथ हैं। और हाँ, मैं इस चैनल पे तो आता ही हूँ, इसके अलावा मेरा अपना चैनल विजय विरोधिया के नाम से है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप सब्सक्राइब करें, मैं कह रहा हूँ उसको करें ना करें, लेकिन इस आपके यूनिक एजुकेशन सिस्टम को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर मेरे को और ज़्यादा आप सुनना चाहते हैं और विषय पे, तो मेरे विजय विरोधिया जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप जाके मेरे बाकी वीडियोज़ को भी विजिट कर सकते हैं। और हम हमेशा आपके साथ हैं माई डियर फ्रेंड्स, लगातार लगे रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपके साथ हैं और हर रोज़ यहाँ 11 बजे इस चैनल के ऊपर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है और हर रोज़ शाम को 4 बजे कोई धुरंधर लीडर इसी चैनल पे आपको मिलता है और आप वही शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं के साथ हैं। मैं आपको फिर लास्ट में यही कहूँगा कि द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% डिपेंड, दैट इज ओनली यू। लेकिन सिर्फ आप महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि डिसीजन मेकर आप हैं। लेकिन अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया, देन यू आर नॉट अलोन। फिर आपके साथ पूरी कयानात है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, आपके सारे सीनियर लीडर्स हैं। तो माई डियर फ्रेंड, जिसने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है उसको धन्यवाद जरूर बोलना, क्योंकि यहाँ नुकसान कुछ नहीं है और फायदा आपका इतना हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आने वाली पुश्तों तक के लिए ये बिजनेस बहुत जरूरी है। आपको हम लोग यहां मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। जय आर सिंह।